प्यारे दोस्तों, योगी वीरेंद्र योगी का सत्नमन। मैं यही बताना चाह रहा था कि हमारी पृथ्वी शांति का केंद्र बने और उसके लिए ये जरूरी है कि लोग जीवन की क्षण भंगुरता को समझें और सभी लोग सत्य को समझें। सत्य यही है कि राम नाम सत्य है। एक ही सत्य है जो सत्य है, सूर्य सत्य है, चांद सत्य है और सत्य सत्य है। तो विरोधाभास किस बात का हो रहा है? लोग क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि लड़ने वाले सभी मूर्ख हैं, सभी अज्ञानी हैं। जो ज्ञानी है वो कभी लड़ता झगड़ता नहीं भाई। काव्य शास्त्र विनोदेनो कालो घसती धीमता विस्तृत जो मूर्ख नाम निंद्रा कलेन। जो भी महान व्यक्ति हैं, ज्ञानी व्यक्ति हैं, अपनी जिंदगी को लगा देते हैं समाज के उत्थान के लिए, समाज की जो परिस्थितियां हैं उसको बदलने के लिए। ये पृथ्वी माता के गर्भ से खनिज पदार्थ निकाल के नए नए अनुसंधान, समस्याओं का समाधान, आज का जो समृद्ध विश्व है वो महापुरुषों का देन है। विचारों की महानता बुद्ध और विवेकानंद से, वैज्ञानिक क्षमता हवाई जहाज से लेकर जितने भी चमत्कारिक चीज हम देख रहे हैं, जो हजारों वर्ष पहले राजा महाराजों को भी उपलब्ध नहीं था, वो आज आम जनता को उपलब्ध है। तो इन महापुरुषों से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपनी जिंदगी को हर पल हर क्षण हर कदम इसी सच्चे रास्ते पर ले जाते हुए शांति का पैगाम बढ़ाना चाहिए। कुछ हो न हो शांति हो, शांति हमारे जीवन का उद्देश्य होनी चाहिए। शांति शांति सर्वत्र शांति, मन में शांति, तन में शांति, समाज में शांति, देश में शांति, विश्व में शांति। शांति है तो जीवन है, शांति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अंग्रेजी में एक मेरा दोस्त समीर भाई ने कहा था, विदाउट पीस वी बिकम पीसेस। सच है, अगर शांति नहीं है तो हम टुकड़े टुकड़े चिथड़े चिथड़े हो जाएंगे। आंसुओं से भरा हुआ जीवन, तड़पता हुआ मछली की तरह पानी से बाहर ये मनुष्य। रे मन मूरख जन्म गमायो, कर अभिमान विषय सो राचो, नाम शरण नहीं आयो। इसीलिए मैं हिंदुस्तान के और विश्व के सारे महान लोगों से ये निवेदन करता हूं कि पहले अपने नागरिकों को एक शांति प्रिय व्यक्तित्व पैदा करिए। और ये एक दिन की बात नहीं है, ये बचपन से ही उन्हें शांति की शिक्षा दीजिए। सर्वत्र शांति शांति शांति, ओम शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वद्राणि पश्यन्तु मा कस्य दुख भाग् भवेत्। सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। असदो मा सद्गम्यो, तमसो मा ज्योतिर्गम्यो, मृत्यु मा अमृतं गम्यो। ये भारत वर्ष की भूमि ज्ञानियों का अपार समूह रहा है। यहाँ राम कृष्ण जैसे महान व्यक्ति पैदा लिए, बुद्ध और विवेक जैसे महान चिंतक पैदा लिए, रमन जैसे और महान से महान व्यक्ति इस धरती को हमेशा सुशोभित किए। तो मैं अपने विश्व के सारे नागरिकों से निवेदन करता हूँ कि सब लोग मिलजुल के जो हमारे भटके हुए अज्ञानी बच्चों हैं उनमें ये प्रेरणा पैदा करिए कि जिए तो जिए कैसे बिना आपके। खुद गरज दुनिया में ये इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीवन है औरों को जीवन देता है। इसके लिए दिन रात हम लगनशील रहें, ज्ञानवान विचारवान बुद्धिवान शक्तिवान बने, शरीर से प्रबल पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भूजदंड है, नस नस में हो लहरा की तभी जवानी पाती जाए, और मस्तिष्क में उन विचारों
डाले जो हमारे योग में गुरुओं ने सिखाया है, पतंजलि योग सूत्र और एक फूट पाया था बुधा शांति शांति सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा के रास्ते चलते हुए हम अपने देश को दुनिया के लिए एक अद्भुत शक्तिशाली बना सकते हैं और विश्व में हम शांति स्थापना कर सकते हैं। योगी वीरेंद्र योगी के जीवन का एक ही लक्ष्य है, दुनिया में शांति हो, हर व्यक्ति के जीवन में सुख हो, कोई दुखी नहीं हो, कोई बीमार नहीं हो, कोई अज्ञानी नहीं हो, कोई मूर्ख नहीं हो, सभी एक दूसरे से प्यार करें। पोथी परपरी जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। अज्ञानता का जो अंधकार है वो सबसे घनघोर चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण है। इस ग्रहण से दूर होने का एक ही उपाय है, ध्यान मग्न होकर अपने जीवन की क्षण भंगुरता को समझिए सोचिए और बिल्कुल शांत होकर कर्मवीर बन जाइए, पुरुषोत्तम बन जाइए, ज्ञानवान विचारवान बुद्धिवान बन जाइए। और जिस तरह एक मोमबत्ती लाखों करोड़ों अरबों मोमबत्ती को जला सकती है, उस तरह से ये एक मोमबत्ती बन जाइए और ज्ञान के प्रकाश से इस पृथ्वी को अंधकार दूर कर दीजिए, सबों के बुद्धि विवेक को चमका दीजिए। दुर्भाग्य है हमारा प्रिय दोस्त गौतम सिद्धार्थ बुद्ध भी इसमें सफल नहीं हो सके, क्योंकि इन दुर्भाग्यशाली व्यक्तियों को कौन समझाए, जहाँ चाह वहाँ राह है। इनको मालूम ही नहीं है क्या चाहिए, इनको पता ही नहीं है सत्य क्या है। ये भटके हुए इंसान, काम क्रोध मद लोभ में लुप्त हुए इंसान पृथ्वी को जला रहे हैं, देश और दुनिया को जला रहे हैं। इनकी बुद्धि भ्रष्ट है, ये केवल स्वार्थ की बात करते हैं। स्वार्थ स्वार्थ क्रोध अहंकार दुष्टता सर्वनाश की प्रवृत्ति से प्रेरित है, ये बनते हैं आतंकवादी। और कुछ ऐसे दुष्ट राष्ट्र हैं पाकिस्तान जैसा, शांति तो चाहिए नहीं, विनाशकारी प्रवृत्तियों से लिप्त दुष्टों को पूरे विश्व में ओसामा बिन बनाते हैं और कुछ बनाते हैं। प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, मेरी धरती को स्वर्ग बना दो, बता दो स्वर्ग। चार लोग की मृत्यु हो न मृत्यु से डरो, कभी मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई नो सुमृत तो बिरथा मरे बिरथा मरे, हुई नो सुमृत तो बिरथा मरे बिरथा जिए, जिया नहीं वो दुर्भाग्यशाली जो मरा ना आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है मनुष्य के लिए मरे। सत्यमेव जयते सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम् आत्मवत्सर्वभूतेषु। धन्यवाद।